Hi everyone, welcome on board. In this video, I'm going to talk about your CAT preparation from the month of February. In fact, 9 महीने रह गए भैया CAT crack करने के लिए. जो लोग तो भाई serious हो CAT preparation के बारे में, यहाँ भी सोच रहे हो क्या मुझे CAT का preparation करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये वीडियो आपको काफी helpful हो जाएगा. और जिन लोगों ने decision ले लिया है कि हाँ सर मैं तो डूबने वाला हूँ CAT के अंदर, मेरे को 9-10 महीने का plan of action दे दो, I'll follow whatever you say. और जिन लोगों को सपने IIMS जाना है, मेरा कॉलेज SPGN बॉम्बे जाना है, सर SPGN बॉम्बे का पैकेज 32 लाख का हो गया है, अभी IIM अहमदाबाद की प्लेसमेंट रिपोर्ट आने वाली है, या FMS जाना है, सस्ते में पढ़ाई करनी है, यार मेहनत तो करना पड़ेगा. FMS की फीस आपको पता ही है 2 लाख रुपए और एवरेज पैकेज उसका भी 32 लाख रुपए. तो ये सब अचीव करने के लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. बाय द वे जर्नी बड़ी लंबी हो रही है, बिफोर आई गेट स्टार्टेड मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखाना चाहता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है. मेरा पूरा प्लान ऑफ एक्शन है वो मैं आपको बताता हूं. व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना डिस्कशन चल रही थी अभी, बाय द वे मैंने ना अपना IIM टाइप किया, ये देखो यहां पे मैंने IIM टाइप किया है और ये सारे IIM कॉलगेटर्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, देख रहे हैं आप लोग, ये लेफ्ट साइड में IIM कॉलेज, सारे IIM वाइजैग कॉलगेटर, IIM कोझिकोड कॉलगेटर्स, तो मोर देन 1000+ पीपल फ्रॉम कैट किंग फैमिली हैव गॉन एंड सिटिंग इनसाइड IIM. समझ रहे हो भाई, तो नया से बात हो रही थी डेफिनेटली सर, वो कुछ हमारी चैट चल रही थी, ये IIM अमृतसर वाला है यार, डेट IIM अहमदाबाद, तो ये रतुल की कॉल्स हैं, ये रतुल से मैं चैट कर रहा था उस दिन, तो रतुल की कॉल्स हैं. नीचे देखो यहाँ पे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, एक्सेट्रा, फाड़ दिए लॉन्डे ने, फाड़ दिए. और बड़ी लंबी जर्नी है ये देखो अभी तक, आई हैव टू हाउ लॉन्ग आई हैव टू वेट ऑन द स्क्रीन, तो लड़का पूछ रहा है भाई ये कौन सा इंटरव्यू दे रहा है, आई थिंक त्रिची का इंटरव्यू दे रहा था, तो बोल रहा है सर और कितनी देर वेट करना, एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर. तो भाई बड़ी लंबी जर्नी है, प्लस माइनस चलता जाएगा फॉर श्योर. तो एनी विच वेज बॉयज एंड गर्ल्स मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी जर्नी है, रिलैक्स बट पढ़ाई करते रहना. और तुम्हारा गोल सिर्फ ये होना चाहिए इतनी पढ़ाई करो कि एंड ऑफ द डे यू रेडी टू व्हाट्सएप ग्रुप, वेयर आई एम ऑल्सो एडेड, फिर अपन GDPI की तैयारी करेंगे. ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आजकल GDPI और इंटरव्यूज की बात चल रही है. चलो भाई शुरू कर रहे हैं. 9 मंथ्स टू कैट प्रिपरेशन, अपना पेन और पेंसिल लेके आओ, वीडियो को पॉज कर लो, उठ जाओ, नोट से लेना, मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन से कौन से, कब पढ़ना है, मॉक्स कब देने हैं, और कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए तो कैट किंग भी आपको कैसे हेल्प कर सकता है. पर अगर तुम पढ़ने वाले बनोगे और होशियार बच्चे बनना चाहते हो तो मेरा वीडियो पूरा एंड तक सुनना. लेट्स बिगिन. 9 मंथ्स टू क्रैक कैट, कैन आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन. पहली बात, इज कैट फॉर मी, ये भी आपको पता चल जाएगा क्योंकि आज हम सिलेबस के लिए कर रहे, सिलेबस की बात भी करने वाले हैं और एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे बिल्कुल बिगिनर्स के लिए, जिनको पता ही नहीं है कि भी सिलेबस क्या है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, और जिनको ऑलरेडी सिलेबस पता है तुम्हारा कोई रिवीजन हो जाएगा, तुम्हारी एक स्ट्रेटजी सेट हो जाएगी कैट के लिए. और मैं डे बाय डे शेड्यूल बताऊंगा आपको एंड के अंदर, दिन बाय दिन शेड्यूल आपका क्या क्या होना चाहिए. चलो भैया पहले लेट्स लुक एट द सिलेबस. बिगेस्ट मिस्टेक इज लोग कैट कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, सिलेबस ही नहीं पता होता है, सिलेबस ही नहीं पता होता है, ना तो उन कोचिंग वाले टीचर्स को पता होता है, बताते नहीं. ये वाली चीज मैं आपको बार बार बताता रहूंगा, सिलेबस को पहले तो जहन में डाल दी, बिकॉज कैट का सिलेबस कैट का फिक्स रहता है पर पेपर पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है. पिछले 3 साल में पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है. 100 सवाल आते थे 2019 के अंदर, 2020 के अंदर 76 क्वेश्चन आए और अभी सिर्फ ये गेम 66 क्वेश्चन का है. भाई इमेजिन कर 2 घंटे का पेपर 66 क्वेश्चन करने हैं और अगर तूने वो फाड़ दिया पेपर तो भाई तेरी कोई ना कोई IIM की कॉल पक्की है फॉर श्योर. न्यू IIMs आ सकता है 99%. बाय द वे इसके अंदर कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए होते हैं याद करना, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं. मतलब जो बंदे ने जाके, मैं भी बहुत हाई लेवल बात कर रहा हूँ, जो बंदे ने जाके 66 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन सही बना लिए, इमेजिन करो सिर्फ 33 चूज किया और 33 के 33 बना लिए, जो ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादा करके आते हैं, थोड़ी गलतियाँ मुझे थी स्ट्रेस के कारण, बट एज्यूम 66 क्वेश्चन तुम्हारी पार की नज़र बहुत बढ़िया है, नेगेटिव मार्किंग तुमने इग्नोर कर दी, 33 क्वेश्चन पे आपका 99% आ जाता है. ठीक है, सिलेबस सुनो अभी. लेट्स बिगिन. वर्बलबिलिटी, पहला सेक्शन वर्बलबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इज वर्बलबिलिटी. इसको भाई लोग भाव नहीं देते हैं, वर्बल पढ़ना बहुत जरूरी है. ट्रस्ट मी, अगर एक आप NIT के हो, IIT के हो, किसी भी अच्छे कॉलेज के हो, इंडिया के अंदर भाई बहुत ही डर्थ है. दो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश स्पोकन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, पर हमारी इंग्लिश व्हेन इट कम्स टू रिटन एग्जामिनेशन काफी वीक है. इस पर प्लीज ध्यान देना. वर्बलबिलिटी पहला सेक्शन. सब अभी तुम थोड़ा एग्जाम को भी विजुलाइज कर लेते हैं भाई. ठीक है, 66 क्वेश्चन पहले तेरी स्क्रीन के सामने आएंगे, उसके अंदर 40 मिनट का टाइम मिलेगा और तेरे को 24 सवाल करने हैं. ठीक है, 40 मिनट का सवाल करना है तेरे को टॉप, और ये भी बता देता हूँ आपको कि एक टॉपर कितने सवाल करके आता है. ठीक है, 40 मिनट्स का टाइम है, 40 मिनट्स के अंदर एक टॉपर समय अराउंड 18 से लेकर 19 तक करता है और वो 99.99997 बन जाता है. ये परसेंटाइल सिस्टम अभी तक आपको समझ आ गया होगा, परसेंटाइल सिस्टम कुछ नहीं है, रैंकिंग ही होती है यार, वो भी सिंपल रैंकिंग होती है. रैंकिंग मतलब जो बंदा 100% है उसका कुछ नहीं है, उसने 50-60% पेपर सॉल्व किया है वो नंबर वन है, और जिसका 99.9897 ऐसे करके कम होता है उसने भाई 60% नहीं किया होगा सॉल्व, 100% नहीं किया होगा उसने, 59% किया होगा, 58% किया होगा. सेकंड सेक्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये इसी ऑर्डर में आएंगे, 20 सवाल आएंगे. नॉर्मली 10 सवाल DI के रहते हैं और 10 सवाल LR के रहते हैं, तो पूरा साल जो तुम पढ़ाई करोगे, जो मैं शेड्यूल बताऊंगा अगली स्लाइड के अंदर, यार उसके अंदर तुम बैठ के तुम्हें एंड ऑफ द डे 40 मिनट जाके उगल के आना है जो तुमने पढ़ाई करी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये टफ आता है बट इसके अंदर सेक्शन कट ऑफ वगैरह बहुत कम जाती है, आप इसको किल कर सकते हो. नेक्स्ट वन, नॉन इंजीनियर. हाँ भाई कमेंट करके बताना, जो बंदे नॉन इंजीनियर है
बताओ जिन जिन लोगों को क्वांट्स के अंदर प्रॉब्लम है, कई लोगों को क्वांट्स के अंदर प्रॉब्लम है, ये बहुत दिक्कत होती है लोगों को, भाई मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए मैं कैट नहीं देना चाहता। यार मैथ्स के अंदर अगर प्रॉब्लम है इसलिए पक्का कैट दे, तेरे को मैथ जिंदगी भर ले डूबेगा। सुन लेना मेरी बात ध्यान से, किसी भी बड़ी कंपनी में जाना है, इफ यू आस्क मी, ओके, इफ यू आस्क मी, इफ यू आर एनी स्टूडेंट सिटिंग इनसाइड एनी ऑफ द कॉलेजेस इन द कंट्री अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, बी कॉम पे, बी एम एस में, यार कैट की तैयारी पक्का करनी चाहिए, मेरे साथ करो, कैट किंग ज्वाइन करो, कोई भी एक्स वाई दी, जिस गुरु के साथ तुम्हारी लहर जुड़ जाए पक्का करो। क्यों बेटा, कल को तेरे को जेपी मॉर्गन के अंदर जॉब चाहिए, कल को तेरे को गूगल के अंदर जॉब चाहिए, 7-7 राउंड ऑफ इंटरव्यू होते हैं, पहला दूसरा राउंड ऑफ इंटरव्यू तो एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है। जो लोग इंजीनियर्स हैं मुझे कमेंट करके बताना, वो एग्री करेंगे, हाँ यार इंजीनियर्स को तो यार TCS के ऊपर में जाना, एप्टीट्यूड राउंड ऑफ टेस्ट होता है जहाँ पे आपको यही चीज पूछी जाती है। तो कॉलेज के अंदर यहाँ GRE, GMAT या कैट की तैयारी पक्का करनी चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन है, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है भाई। एनी विच वेज अगर तुम पढ़ लोगे तो आगे जिंदगी भर तुम्हारा स्टेट रहेगा, नहीं तो अंदर ही नहीं घुस पाओगे, फर्स्ट लेवल ऑफ राउंड ही नहीं एप्टीट्यूड का क्लियर कर पाओगे, ठीक है भाई। तीसरा सेक्शन इज क्वांट। क्वांट मैथ्स के अंदर कई टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो कैट के अंदर भर भर के आते हैं। वो टॉपिक्स कौन से वो भी देख लेते हैं भाई, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंबर 1 अरिथमेटिक, बचपन में करते थे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, राइट, मिक्स्ड एलिगेशन, हाँ टाइम स्पीड डिस्टेंस, ये सब नहीं किया हुआ है, ये 9वीं क्लास का सिलेबस है, सॉरी ये 9th क्लास का सिलेबस है ना, ये बेसिक चीज है, अच्छी बात है। समवेयर अराउंड 22 में से 11 सवाल आप लोगों के इसी टॉपिक के आते हैं भाई, नोट कर लो। सबसे पहले जब अटैक करना है अरिथमेटिक से अटैक करना। नेक्स्ट वन एलजेब्रा, एलजेब्रा के भाव थोड़े से कम होने शुरू हो गए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस बार भी एलजेब्रा के अंदर समवेयर अराउंड 4 से लेकर 5 क्वेश्चन तक आपको नजर आए थे। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टोटल हो गए 15 और ज्योमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 17 और नंबर सिस्टम की भी आपको, इस बार तो नंबर सिस्टम बहुत ही कम आया था, कई स्लॉट्स में 0 था, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट डे 1 से आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते रहते हैं, यार नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट था मेरे जमाने के अंदर, ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम कर लो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, पर अभी सिर्फ 1 या 2 सवाल ही आ रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे कई लोगों को दिक्कत होती है, यूलर्स थ्योरम, फोरियर थ्योरम, नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते हैं, HCFLCM समझ आ जाता है, पर नंबर सिस्टम भी आपका डूएबल टॉपिक है। फिर कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा मॉडर्न मैच हो गया, हाँ मॉडर्न मैच, कॉम्पिटिशन कम्बिनेशन होगा, यहाँ पे नॉन इंजन को दिक्कत आती है, पर उसकी भी अप्रॉक्सीमेटली 3 सवाल आते हैं, ठीक है भाई। तो देखो तुम ऑर्डर में जाओगे तो अरिथमेटिक पिछले 5-6 साल से ऐसा ही हो रहा है। इफ यू आस्क मी क्विकली, मैं आपको एंड में बताऊंगा 40 डेज चैलेंज होता है। 40 डेज चैलेंज क्या होता है, 40 दिन के अंदर आप एक बार, 40 वर्किंग दिन के अंदर एक बार आप सारा सिलेबस खत्म कर सकते हो, उसका मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन बताने वाला हूँ, ठीक है भाई। ज्योमेट्री के आपके आते हैं 2 या 3 सवाल, ठीक है भाई। तो ओवरऑल ये तुम्हारा सिलेबस है कैट का, सबसे इंपॉर्टेंट इज अरिथमेटिक व्हेन इट कम्स टू क्वांट, ये पकड़ के आप करना शुरू कर देते हो। आगे चलते हैं वर्बलेबिलिटी, वर्बलेबिलिटी में टोटल जो नंबर है वो 24 क्वेश्चन और पहला सेक्शन आता है, 40 मिनट का टाइम है यार, तेरे को बैठ के वहां पे आरसी दिए जाएंगे। आरसी बचपन वाले आरसी नहीं है, पर इसका एक फायदा है, क्वेश्चन भी वहां लिखा हुआ है, आंसर भी वहां लिखा हुआ है, अपने को ढूंढना है, इतना इजी से नहीं मिलता है, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने मेरे वीडियोस में सुना होगा एओनिसिस, कैट किंग फैमिली जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हो, ज्वाइन करने वाले हो, इनको मैंने पता है क्या चैलेंज दिया हुआ है, 50 एओन एसेज पढ़ने हैं, 50 एओन एसेज पढ़ने हैं इन लोगों को मार्च 30 तक। जो लोग ये वीडियो सुन के मंडे को ज्वाइन भी करने वाले, सुन लो ये वाला चैलेंज, ये मार्च 15 तक, मार्च 30 तक है, थोड़ा सा 10-15 दिन में एक्सटेंड करूंगा, और 50 पढ़ना तुम दुनिया से आगे हो जाओगे, तोते उड़ जाएंगे, पर जब कैट का पेपर दे रहे होंगे यार तो आपको लगेगा यार तो एओन एसे जैसा ही, इसको गूगल मार लीजिए, एओन एसे एक फ्री वेबसाइट है, वहां से आप लोग पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पैराजम्बल्स, पैराजम्बल्स क्या है यार, मैंने आपको बताया 4 सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, उन 4 सेंटेंसेस को उल्टा पुल्टा करना होता है, इसके भी 3 सवाल आते हैं। अच्छा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के तो भाई सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, तो मान के चलो समवेयर अराउंड 16 क्वेश्चन आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मिल सकते हैं, प्लस माइनस 1 इन 2 होता रहता है, पैराजम्बल्स के 3 सवाल आते हैं। और जो ऑड वन आउट है, मतलब ऑड वन आउट क्या होता है, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं या 4 सेंटेंस दिए हुए हैं या 5 सेंटेंस दिए हुए हैं, उन 5 सेंटेंसों में से एक ऐसा सेंटेंस बताओ जो कि इस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, उसको बाहर निकालना होता है। ये लोग दिक्कत करते हैं, VA का सेक्शन होता है, हाँ वर्बल बिल्डिंग का नाम है VA प्लस RC, RC सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पैराजम्बल, यार पैराजम्बल और आउट ऑफ कंटेक्स्ट दोनों के फंडे सेम रहते हैं, जिसको समझ आते हैं वो फाड़। 5 नंबर है, 5 नंबर इज इक्वल टू एंटायर ज्योमेट्री एंड नंबर सिस्टम, समझ रहे हो, एंटायर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के लिए हफ्ते हफ्ते लगाते, तो इसको इंपॉर्टेंस दे देना, ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है। और पैरा समरी के कितने हो गए भाई, 16, 16 और 3, 19 और 2, 21, पैरा समरी की भी 2 या 3, 3 या 4 सवाल आपको आते हैं, ठीक है भाई। 3 सवाल तो आरसी के आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 16 क्वेश्चन, 6 और 3, 19, 19 और 5, बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। तो भाई ये सिंपल स्टैंडर्ड है,
और अगर आप मेहनत करोगे इसको फॉलो करिए, बहुत बहुत ईजी है। इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग भी होता है, मतलब अंग्रेजी है अच्छे से आप मास्टरी कर सकते हैं। इफ़ यू आस्क मी, मैं हर बार आपको वेंसडे बच्चों को वेंसडे और मंडे को वर्बल बिल्डिंग पढ़ाता हूँ। ये दो दिन ये लोग इंग्लिश ही पढ़ते बैठ के और उनको लाइन बाय लाइन रूल बाय रूल पढ़ाते हो। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आरसी पढ़ने में दिक्कत है, बहुत सारे टॉपर्स ने मुझे बताया सर बच्चों को एक बात रिकमेंड कर देना, जो हमारे 1000 बच्चे की तो लास्ट टाइम की और इस बार की भी नियरली 2000 आईएम कॉल का हमारा प्रोजेक्ट है और नियरली 2800 बच्चों की आईएम्स की कॉल आ चुकी है। इंशाल्लाह जाके कन्वर्ट कर दे तो मेरा जो 2000 आईएम कॉल का प्रोजेक्ट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो भाई, इन लोगों ने एक ही फीडबैक दिया, सर जिस बच्चे को दिक्कत आएगी उसको ये बता देना कि बच्चे लोग आप लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर नहीं समझ आता पैराजेबल और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान दे सकते हो, दे आर ऑल्सो डूएबल। ठीक है भाई, ये हो गया सिलेबस। नाउ आई एम गोइंग टॉक अबाउट सम हिट्स एंड ट्रिक्स अबाउट अनदर सेक्शन कॉल्ड एज डेटा इंटरप्रिटेशन। यार डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग जिंदगी का एक ऐसा टॉपिक है जो आप मैनेजर बनोगे आपको आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं समझाता हूँ जरा। डीआई, अगर तुम मेरे खुद के बच्चे होते, जो लोग बोलते मुझे एनालिटिक्स करना है, मुझे यू नो मैथमेटिकल बेंट ऑफ माइंड है, यार डेटा इंटरप्रिटेशन इज नथिंग बट वर्किंग ऑन एक्सेल शीट। लाइक फॉर एग्जांपल, अब इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं ना, पिछले साल की अगर मैं बात करूं जो केपीएमजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, केपीएमजी हमारे कैटिंग के रिजल्ट्स को वेरीफाई करता है, तो केपीएमजी बैठ के चार्ट्स बना के मुझे प्रेजेंट करता है कि सर आपके इतने बच्चों की कॉल आए थे, 1000 स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू आईएमएस, 30 स्टूडेंट्स आर गोइंग इनटू एफएमएस, तो एक बार ग्राफ बना के दिखा देते हैं कितने बच्चे कहां पे गए। और मेरे को अगर इस साल के बच्चों से पिछले साल के बच्चों को कंपेयर करना हो तो मैं एक बार ग्राफ पे दे सकता हूं, पाई चार्ट पे दे सकता हूं, एक लाइन ग्राफ बना सकता हूं। समझा, जैसे आप जिंदगी के अंदर ग्रो करते जाओगे, जब आपके पास बड़े बड़े रोल आने शुरू हो जाएंगे, जब आप मैनेजर बन जाओगे, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत काम आएगा। इसलिए इसको ध्यान से कर देना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेटा इंटरप्रिटेशन हर बार टफ आता है, बट आपको ये बात नहीं पता, 20 क्वेश्चन में से जो बंदा जाके, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से जो बंदा जाके सिर्फ एक भी सेट अगर ठीक करके आता है, ठीक है, इमेजिन करते हैं 5 क्वेश्चन का सेट आ रहा है, इमेजिन करते हैं 5 क्वेश्चन का सेट आ रहा है, एक बड़ा सेट आ रहा है, जो बंदा एक भी सेट ठीक करके आता है ना, उसका यार नियरली 85% एलएम क्या आता है। जितने मर्जी तुम झंडो, एक साल पढ़ाई करेंगे, 9 महीने पढ़ाई करेंगे, यार एक सेट बनाना है और एक सेट हमेशा इजी होता है। मैं पेपर खोल खोल के आपको दिखा दूंगा भाई ये बहुत इजी है, वो इतना इजी होता है कि जिस बंदे ने कैट की तैयारी 1 महीना 2 महीना भी किया वो एक बंदा सेट करे। तो 85% का मतलब है 15% लोग ही पूरे इंडिया के अंदर वो सॉल्व कर पा रहे। ऐसा क्यों रहा है? बिकॉज उस दिन का स्ट्रेस होता है, उस दिन का टेंशन होता है, वहाँ पे बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं, कई लोग जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे, तो थोड़ा स्ट्रेस आता है इसलिए उड़ जाता है। जो लोगों ने कैट 2021 दिया हुआ है उनको पता होगा, नीचे कमेंट करके बता देना मुझे ऐसा हुआ था ना एग्जाम के अंदर। तो भाई एनी विच वेज, दो पार्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स हो गया, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। पाई चार्ट में आपको डब्बा दिया जाता है, गोला दिया जाता है, उसके अंदर दिया जाता है मारुति का परसेंटेज इंक्रीज बताओ, सेल्स कितना हो गया है, मारुति ने नई कार निकाली है नेक्सा तो उसका क्या हो रहा है, यू नो, या टाटा ने नई कार निकाली तो उसका क्या हो रहा है। सिमिलरली हीरो होंडा की मोटरसाइकिल की परचेज का, हीरो कॉप जो है उसके मोटरसाइकिल की परचेज के स्टैट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? केसेस। ये एक ऐसी एनालिटिकल स्किल है जो कि हर इंसान को एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, दिमाग के अंदर होनी चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कैट प्रिपरेशन इज लाइक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मतलब यार ये तो करना ही करना है यार, दिमाग के कपाट खोलने, क्यों नहीं आपको आने चाहिए डायरेक्शन सेंस यार, क्यों नहीं आपको आने चाहिए केसलेस, क्यों नहीं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा मैं, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है सेवलॉन का यू नो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे वाइप, डिसइंफेक्टेंट, इसकी कितनी सेल्स हो रही है। कल को तुम्हें 30 लाख कोई पैकेज देता है और बोलता है कि चल यार सेवलॉन का ब्रांड तेरे को मैनेज करना है। यार अगर तू सेवलॉन का ब्रांड मैनेज करने वाला है तो तेरे को पूरे के पूरे सिटीज का डेटा निकाल के इंडिया में कहाँ जा रहा है, या महाराष्ट्र की सेल्स कितनी हो रही है, पंजाब की सेल्स कितनी हो रही है, कौन स्टेट ज़्यादा यूज कर रहा है, ये सब स्टैट्स के लिए आपको बेसिक ह्यूमन नॉलेज के लिए आप लोगों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। तो भाई इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। नॉर्मली मोर लेस हाफ ऑफ आते हैं, दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सर ऑल सेड एंड डन मेरे को एक प्रिपरेशन प्लान बताओ, पढ़ना कैसे है। ठीक है, चलिए भाई मैं आपको ऑपरेशन प्लान बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी चल रहा है फेब मंथ, फेब मार्च और अप्रैल, अप्रैल 30th तक हर बच्चा जो मेरी बात सुन रहा है उसको फाउंडेशंस एलओडी लेवल 1 खत्म होनी चाहिए। मैं ये भी बताऊंगा बुक्स कहाँ से लेनी, क्या लेनी, सब बताऊंगा। ठीक है भाई, फेब मार्च अप्रैल तक फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब कोई भी इजी सवाल आपको आ जाए यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट, दैट्स द फाउंडेशन, उसका मतलब है आगे। और इसके बाद एक बार खत्म करने के बाद आप लोग एक बार बैठ के 40 डेज चैलेंज के बारे में बताना, एक वॉक दे देना। ठीक है, 40 दिन कैट का प्रिपरेशन करने का, वीकडेज बता रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे। सपोज करो सैटरडे संडे को तुम लोग चिल मारते हो या रिविजन करते हो सैटरडे संडे को बैठ के, एक मॉक पक्का दे देना, वो एक्चुअल पुराना कैट का पेपर देना, तुम्हारे कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्योंकि मॉक्स का लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है भाई, इतना समझ आ गया। ये 40 डेज चैलेंज क्या है उसके बारे में फटाफट अपन देख लेते हैं 2 मिनट के अंदर, आई कम टू दैट। भाई 40 डेज चैलेंज क्या है? अगर तुम्हें सोच लिया कि हाँ सर मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को बस एक शेड्यूल दे दो, लेट्स लुक एट द शेड्यूल। शेड्यूल क्या है भाई तुम्हारा?
पहली बात तो यार, अगर तुम लोगों ने ठान लिया है कि हाँ सर मेरे को सिलेबस समझ आ गया, अब मुझे डिटेल्स बताओ और बताओ पढ़ना कैसे है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बाय द वे तुम लोग कैट टीम ही ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये स्केड्यूल तुम खुद घर पे लेके खुद भी पढ़ाई कर सकते हो। एक हफ्ता ट्राई करो, दो हफ्ता ट्राई करो, नहीं होता है तो यूएस कैन ज्वाइन द कैट किंग फैमिली। इसके अंदर हम करते गए व्हाट इज 40 डेज चैलेंज। आपको 40 क्लासेस मिलती हैं, 40 क्लासेस मिलती है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30 दिन के अंदर आप लोग 20 दिन हमारे साथ पढ़ाई करते हो। करना कैसे, एक एक टॉपिक दिया जाता है, लाइक पहले बिठा के आपको वैदिक मैथ्स कराया जाएगा, हम उसको बोलते हैं वी पार, वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज। पहले बैठ के जिंदगी के अंदर वैदिक मैथ्स कर लो, परसेंटेजेस कर लो, वो आपको डीआई में भी हेल्प होगा, एलआर में भी हेल्प होगा। लोग ये करते नहीं है और कोई करवाता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक हफ्ता पहले फिंगर ऑन द लिप्स, 7 से लेकर 8 बजे तक कुछ मत कर, ये है तुम्हारा च्यवनप्राश। च्यवनप्राश बोलता हूँ मैं इसको, ये बहुत जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन बेशक नहीं आएंगे पर आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करेगा और जरूरी जरूरी है। उसके बाद आपको मॉड्यूल वाइज पढ़ाया जाएगा। जैसे मॉड्यूल कितने यार कैट के अंदर, देखो सिंपल मॉड्यूल्स है। फॉर एग्जांपल आपको जो फेवरेट मॉड्यूल है मेरा, वो है एलजेब्रा का मॉड्यूल। आप लोगों ने एलजेब्रा से स्टार्ट करना तो एलजेब्रा से स्टार्ट कर सकते हो। अर्थमेटिक मॉड्यूल, एलजेब्रा मॉड्यूल अप्रॉक्सीमेटली 5 सवाल। अर्थमेटिक मॉड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है, हम लोग क्या करेंगे, मॉडर्न मैथ्स मॉड्यूल। ऐसे करके मॉड्यूल्स है, मॉडर्न मैथ्स हो गया, एलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, हाँ सारे के सारे। तो क्या करना है, 40 दिन के अंदर आप इसको कवर करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपका मॉड्यूल चल रहा है मॉडर्न मैथ्स मॉड्यूल, ठीक, मॉडर्न मैथ्स परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। रोज रात को दिन का 1 घंटा पढ़ाई आपको करनी ही करनी है। तो भाई आप लोग ये 40 डेज के अंदर पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। उसके बाद रिवीजन, एक बार सिलेबस खत्म होगा दूसरी बार करो, दो बार सिलेबस खत्म होगा तीसरे। ये 40 डेज चैलेंज को आप रिपीट 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 मिनिमम 3 से लेकर 4 बार आप लोग रिपीट कर सकते हो। बट कई लोग मेरे पास आते हैं, सर ये तो बेसिक है, मेरा फाउंडेशन सेट हो चुका है, आपने चैलेंज दिया था कि भी अप्रैल, मेरा वो दूसरी स्लाइड में मैं उसके बारे में आ रहा हूं, मेरा एक चैलेंज दिया हुआ है लोगों को। जो बंदा 30th अप्रैल तक, ठीक है, 30th अप्रैल तक, जो कैटिंग फैमिली पुराने ज्वाइन कर चुके हैं, जो एक एक साल से पढ़े, उनको मैंने 30th मार्च का डेडलाइन दिया है। तुम्हारे लिए 30th अप्रैल तक मेरे को सारा फाउंडेशन खत्म करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद मैं आपको डालूंगा एनआईटी आईटी बैच के अंदर। ये एनआईटी आईटी बैच क्या है, यहां टॉपर्स है, रिपीटर्स बैच है, ये लोग टॉपर्स आते हैं, ये लोग हफ्ते में चार दिन आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इनके मैं फिक्स कर देता हूं, भाई पहले तो मंडे और वेंसडे को वर्बल पढ़ना है, कुछ भी हो जाए मंडे वेंसडे को वर्बल करना है, मैं पूरे पेपर सॉल्व कर दूंगा। बूट कैंप आएगा, अब जैसे कैट 2021 का पूरा पेपर सॉल्व करवाया मैंने, कैट 2020 का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हम लोग, 2019 पिछले 10 साल के पेपर मैं सॉल्व करवाता हूं मंडे वेंसडे। और वर्बल में तो यार चार ही टॉपिक है, कौन सा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पैरासमरी और वोकैबुलरी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पैरासमरी, वोकैबुलरी, ये अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के अंदर मैं आपको ये दोबारा रिपीट करवाऊंगा। एक बार आरसी हो गया, चल बेटा दोबारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 2010 के पेपर सॉल्व किए, अभी 2018 के पेपर सॉल्व करेंगे, 2012 के पेपर सॉल्व किए, अभी 2013 के पेपर सॉल्व करेंगे, वो करके रिपीट 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 रिपीट। तो टॉपर जनता क्या करती है, एक बार 40 डेज चैलेंज को खत्म करती है, तुम लोग भी ऐसे पढ़ो और उसके बाद जाके एनआईटी आईटी बैच के अंदर बैठ के दिमाग के तोते उड़ाओ, शॉर्टकट सीखो। शॉर्टकट्स को सीखना कई लोग एंड में करते हैं, मैं बोलता हूं एक हफ्ता तुमने बेसिक पढ़ लिया, सैटरडे संडे दिमाग के कपाट खोलो एंड सिट अलोंग विद टॉपर्स। ये हमारे यहाँ पे सब बच्चों को एक्सेस मिलता है इसका। अगर ये वाला कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो बताता हूँ आपको, पर मैं पहले मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने दीजिए, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नाउ मूविंग इन फॉरवर्ड, जिसको तो ये बात समझ आ गई है, जिसको बोल रहा है हाँ सर मेरे को समझ आ गई है, शेड्यूल मुझे समझ आ गया, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, एक एक हफ्ता करके मॉड्यूल चलता है, पर मुझे एक और बता दो कि कौन सी तारीख तक क्या करना है। सुनो जरा, अप्रैल मार्च के अंदर आपके 40 डेज खत्म हो जाएंगे। 40 डेज मतलब मंडे टू फ्राइडे, एक मंथ में 20 दिन आपने पढ़ाई करी, सैटरडे संडे को एनआईटी आईटी बैच किया, एक मंथ में 20 दिन पढ़ाई करी, तो भाई अप्रॉक्स उसके अंदर डीएलआर का भी मॉड्यूल आता है। हाँ, एक हफ्ता सब बंद, क्वांट बंद, सब बंद, वर्बल चलता रहता है, बट डीएलआर का मॉड्यूल आएगा। तो 40 दिन के अंदर 2 दिन डीएलआर के मॉड्यूल वाइज करो, ऐसा नहीं कि रोज के सेट सॉल्व करें, रोज के सेट भी करेंगे पर पहले एक बार सिलेबस खत्म करो। आगे चलते हैं। सर मई जून में क्या करना है, भाई मई जून में बैठ के तुम एडवांस बातें करो, शॉर्टकट देखो, एक्चुअल पेपर सॉल्व करने शुरू करो और एलओडी लेवल 2 पढ़ना शुरू कर सकते हो। एक बार तुम्हारा जुलाई तक सब बच्चों का एडवांस खत्म हो चुका होना चाहिए, और लोग एनआईटी आईटी बैच में भी पढ़ सकते हो, कहीं से पढ़ सकते हो, और अगस्त सितंबर नवंबर के अंदर, तो भाई अक्टूबर के अंदर हम लोग मॉक्स देना अच्छे से शुरू करेंगे। मॉक्स देना तो मैं तो बोलता हूँ भाई मई से शुरू कर देते हैं जनता, ये 6 महीने आपको मॉक्स देने होते हैं। सिलेबस खत्म हो ना हो आप लोग बैठ के मॉक्स देना शुरू कर सकते हो। लास्ट थिंग, ऑल सेड एंड डन, सर करना क्या है यार, ये बताओ यार। करना सिर्फ एक बात है कि आपको तो पहली बात तो अपना सिलेबस अरेंज करना है, आपके पास बुक्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कहाँ से पढ़ना है, सारा का सारा आपका सेट होना चाहिए पेपर पैटर्न। अगर आपको कैट किंग की भी हेल्प चाहिए और चाहिए कि सर मैं घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो पा रही, पर मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट चाहिए, लाइक यू वर्कआउट इन जिम, यू गेट अ पर्सनल ट्रेनर, सर मेरे को पर्सनल ट्रेनर चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने एक नया कोर्स लॉन्च किया, इसका नाम है कैट किंग टर्बो। बाय द वे मंडे को नया बैच शुरू हो रहा है, कमिंग मंडे को, हर मंडे को नया बैच शुरू होता है, ये वाला बैच कल शुरू हो,
स्टोर है, इसके अंदर आपके साथ बिठा के अच्छे से एकदम बिठा के रोज रात को एक ही घंटा पढ़ाया जाता है। सर किताबें कौन सी फॉलो करनी है? देखो एक तो स्टैंडर्ड किताबें हैं, अरुण शर्मा एक्सेट्रा, आर एस अग्रवाल, वो भी ले सकते हो, वो भी लेनी चाहती ले सकते हो, पर हम लोगों ने आईआईएम के बच्चों को बुला के टारगेट अर्थमेटिक है इस हफ्ते का, यहाँ पे जा अर्थमेटिक ढूंढ, वहाँ पे मॉड्यूल वाइज बुक्स पढ़ी हुई है। ये देखो अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, इस बुक्स की इतनी तारीफ हुई है इस बार, मतलब पीपल आर लविंग दोज बुक्स। देखो कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़नी है ना, अच्छी बात है, पढ़ सकते हो, पर अगर टॉपर बनना है तो एक शॉर्टकट्स वाली किताबें आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके बाद आपको रिविजन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, रोज का लाइव शेड्यूल मिलेगा, और अगर ऐसे मोटिवेट रहना चाहते हो सर ये आईएम के बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं, पिछले साल के हमारे कैटकिंग के रिजल्ट्स कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो मैंने मोर देन यूट्यूब आपका ये सब कुछ रिकॉर्ड करके यहाँ पे डाला। हाँ, कैटकिंग ई बुक्स मिलेंगी तुम्हें, रिवीजन वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये बाकी कोर्सेज क्या है उसके बारे में बताता हूँ। ये आई एम वॉट पी आई क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आजकल जीडीपी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे तुम लोग लाइव लेक्चर 207 लेक्चर पढ़ाए हमने। पिछले साल जब बच्चों की कॉल्स कन्वर्ट हुई थी तो हमने मिलवाया। ये आईडी बॉम्बे कॉल गेटर्स हैं, एमडी गुड़गांव कॉल गेटर्स हैं, कैटकिंग के ऑल कॉल गेटर्स मीटअप है, यहाँ पे एसआईबीएम पुणे है, नारसी मुंजी है, आई एम अहमदाबाद है, आई एम इंदौर है, आई एम कोदिकोड है, देख रहे हो भाई। तो जैसे जैसे आपकी कॉल जाती है वो वाला सेशन यहाँ पे भी अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो भाई ये तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो सीरियसली पढ़ाई करना, हाँ मेहनत करना है इसको, हाँ टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन एंड वर्क रियली हार्ड। मेरे को एक बड़ी बहुत बड़ी दिक्कत आती है जब लोग कैट की तैयारी करते हो यार, देखो हमें बचपन से इतनी पढ़ाई करी है, इंजीनियरिंग करी है, यू नो उसके बाद एग्ज़ाम्स तो दिए हैं ना, इस एग्ज़ाम को लेके लोग लाइटली ले लेते हैं और थोड़ा गिवअप मार देते हैं। नहीं सर, मैं वही सोचता हूँ, क्यों गिवअप मार देते हैं? माँ बाप का डंडा नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, आसपास के लोग अच्छे नहीं है। इन द एंटायर जर्नी फाइंड सम गुड पीपल व्हेन यू गाइस जॉइन कैटकिंग फैमिली। आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डाला जाता है, तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक दो अच्छे दोस्त बनाओ, उनसे बात करो, जूम कॉल्स पर डिस्कस करो, देखो तेरा वर्बल एबिलिटी अच्छा है या तेरा यू नो क्वांट अच्छा है, उसके बाद बैठ के आप जुड़ सकते हो। अच्छा लास्ट 30 सेकंड, उसके बाद मैं आपको ब्रह्मास्त्र बताऊंगा पढ़ने के लिए, लेट्स बिगिन। अच्छा भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स को ऑर्गेनाइज वे में पढ़ने के लिए, यू गाइस कैन जॉइन द कैटकिंग फैमिली। हमारे टर्बो कोर्स लॉन्च हो रहा है, द प्राइस इज 40,000 रुपीज, बट the discount going on, you guys can get the entire course for one year November 27th तक। हाँ भाई CAT का जो डेट है वो है November 27, संडे, लास्ट संडे ऑफ द मंथ को। भाई ये देख सकते हो आप 20,000 रुपीज के अंदर बुक्स, मॉक्स, शॉर्टकट्स, एवरीडे वन आवर ऑफ लेक्चर। बाय द वे मैं सिर्फ एक घंटा मांग रहा हूँ, एक घंटा घर पे पढ़ना है, दो घंटे रोज पढ़ाई करनी है, कब तक? अप्रैल 30 तक। उसका दो का तीन कब करना है, तीन का छः कब करना है, वो तुम मेरे पे छोड़ो, अभी तुम सिर्फ दो घंटा पढ़ाई करनी शुरू करोगे। ये टर्बो कोर्स काफ़ी अच्छा है, एक सेल्फ स्टडी कोर्स भी है, अगर खुद से पढ़ना चाहते हो। सर मैं अपनी पेस पे खुद से पढ़ना चाहता हूँ, अभी ये खुद से भी पढ़ सकते हो, आपको लाइव लेक्चर नहीं चाहिए, यू गाइस कैन गेट इट फॉर 16,000 रुपीज। बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम्हारे पास कैट की तैयारी करी रहे हो, बाकी एग्जाम्स की तैयारी भी कर लेनी चाहिए, बिकॉज स्नैप जैसा एग्जाम है वो बेटा बहुत इजी एग्जाम हो गया, एक घंटे का एग्जाम है। इमेजिन कर एक घंटे का एग्जाम दे के उसके बाद बस सिर्फ एक हिकअप है जीडीपीआई की, वो जीडीपीआई की हिकअप तेरे को की एवरेज पैकेज, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा एक घंटे का जीडीपीआई, तो भाई स्नैप है, कोई प्रोफाइल बेस नहीं है, प्रोफाइल बेस इंटरव्यू सिलेक्शन की बात होता है। तो भाई आप लोग इंटेंसिव भी देख सकते हो, द प्राइस इज 50,000 रुपीज राइट नाउ, गेटिंग ए डिस्काउंट। ये कब तक डिस्काउंट रहेगा वो आप मेरी टीम से बात कर सकते हो, एक नंबर भी दिया हुआ है 8999118999, उनसे भी आप बात करके कोई भी आपको डाउट हो तो कर सकते हो। लास्ट थिंग, इफ यू आर जॉइनिंग द कैटकिंग फैमिली, ये नीचे लिंक मिलेगा, देयर इज इंडक्शन हैपनिंग एवरी डे एट 6 PM, आप 6 बजे इंडक्शन कर सकते हो, वहाँ एक नारसी मुंजी के टॉपर आपके साथ रहेंगे और पढ़ते जाएंगे। लास्ट थिंग ब्रह्मास्त्र, If you want to crack any great examination in the country, you have to sit with good peers. Number one, तेरा पड़ोसी अच्छा होना चाहिए जो कि commit करता है, तेरा boyfriend, तेरा girlfriend, तेरा जो भी जरा दोस्त है बेटा वो तेरे साथ होना चाहिए, number one. Secondly, you have to find a guru. जिंदगी में यार तुम कोई भी काम करना है हमेशा बिना गुरु की, यार जिम ज्वाइन करना है, पर्सनल ट्रेनर महंगा पड़ता है पर उसके साथ करके करते हो तो अलग लेवल रिजल्ट आते हैं, आपको पता है वो बहुत महंगा पड़ता है। मैं भी कभी कभी खुद जाए करता हूँ, पर अभी जाके मैंने पर्सनल ट्रेनर लगाया जो कि मुझे मिक्स अप योगा कराता है, कार्डियो कराता है, समझ रहे हो भाई। तो हमेशा दूसरी बात, अगर खुद से पढ़ाई कर रहे हो, फाइंड दोज एरियाज विच कैन सेल्फ मोटिवेट यू एज वेल इन द एंटायर गेम। मेरा बस एक ही गोल है, टू इंस्पायर यू गाइस। जो लोग कैटकिंग फैमिली ज्वाइन कर रहे हो, मंडे को मेरा लेक्चर होगा, मैं आपको बताऊंगा हर हफ्ते क्या काम करना है। थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, होप द वीडियो वाज हेल्पफुल, इफ यस डू इट ऑन द लाइक बटन। इस बार का गोल हमारा 2000 आईएम कॉल्स, 2000 आईएम कन्वर्ट्स। बाय द वे 2800 बच्चे विद आईएम कॉल्स ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिखा दिए, बस इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा नाम वहां पे हो, एंड कीप किलिंग। थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स, इफ द वीडियो वाज हेल्पफुल डू इट ऑन द लाइक बटन, और कमेंट करके मुझे बताइए आपके दिमाग के अंदर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कैट को लेकर, डीआईएलआर को लेकर, क्वांट को लेकर, मैं आपके सारे के सारे आंसर्स को रिजॉल्व करूंगा। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, मेक मी प्राउड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।